अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है राबिया विद कुकिंग एंड व्लॉग में। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मुबारक हो आपको। दूसरे दिन हमने जो मटन बनाया है, मटन में हमने थोड़े से प्याज, लहसुन, अदरक, नमक मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, गरम मसाला डाल के हमने इसको पकने रख दिया है। और साथ में हमने जो खीर पकने रखी है, इसके लिए हमने आधा किलो चावल लिए थे और 6 किलो दूध लिया है। चावलों को हमने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर दूध में डाल के इनको पकने के लिए रख दिया है। अब जो पक रही है, और इसके साथ ही हम कीमे और दाल के कबाब, ये हमने कीमा बॉयल किया था, उसको फिर मज़ीद इस तरह कूट लिया है, और ये दाल भी बॉयल की हुई है। इनमें हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के हमने बॉयल किया है। अब सारे मसाले डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। ये खीर हमारी इतनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें 5-6 इलायचियाँ मुँह तोड़ के इनके अंदर डाल देंगे, और हमने ये 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के थोड़े से दूध में डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसको इसमें दूध, वनीला वाले दूध को खीर में डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसमें चीनी डाल देंगे। खीर गाढ़ी हो गई है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के इसको 2 मिनट पका के चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ये हम जो कबाब बना रहे थे दाल के और कीमे के, उसमें हमने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे उनको चॉप करके डाल दिया है। 3 हमने अंडे डाले हैं, अब इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने इसके कबाब बना लेने हैं। ये हमारी खीर भी पक चुकी है, ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई, ठंडी होके और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है, अब हम इसके कबाब बना रहे हैं। ऐसे कबाब बनाते जाएंगे। और ऐसे रखते जाएंगे इनको, सारे ऐसे बना के रख लेंगे और फिर बाद में फ्राई कर लेंगे। ये टिक्कियाँ हमारी बन गई थी, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और टिक्कियाँ ये फ्राई कर रहे हैं। अब हमने इसको कुछ नहीं लगाया, अंडे जो इसमें डाले थे उनकी वजह से जो बाइंड हो गई थी। ये देखें, इनको गोल्डन ब्राउन करके उतार लेना। ये कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम जो मटन बनाया था उसको भून लेंगे। ये हमारा मटन जो हमने रखा हुआ था वो हमने भून लिया है, बस इसको ऐसे भून के नीचे उतार लेना है। इसने घी छोड़ दिया, ये देखें। ये हमने चावल भी पकने रख दिए थे साथ में। ये हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है, और हमने मटन नहीं लिया था, बीफ का गोश्त लिया था। ये 1 किलो बीफ का गोश्त लिया था, इसको गला लिया है हमने थोड़ा सा नमक और प्याज डाल के। काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी, इसको गला लिया है। आप ये जो इसमें डाल देना है, ये प्याज ब्राउन किया था ना, उसमें इस मटन को डाल देना है। मटन को नहीं, बीफ को डाल के इसको भून लेना है, और इसमें पानी डाल देना है। हमने 1 किलो बीफ लिया है और 1 किलो ही हमने चावल लिए हैं। जो चावल का पानी था वो पकने शुरू हो गया है। हमारे 1 किलो चावल थे, 1 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया था, उसको गला लिया था, और इसमें 1.5 किलो हमने पानी डाला है। अब हम चावल डाल देंगे इसमें। चावल डाल के पानी खुश्क हो जाएगा,
तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये चावल हमारे मटन पुलाव जो था वो पक चुका है। मटन पुलाव नहीं, सॉरी, बीफ पुलाव। ये बीफ पुलाव हमारा पक चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल खिले खिले अलहदा अलहदा चावल हैं। और ये हमारी खीर भी ठंडी हो गई है, हमने बाउल में निकाल ली है। आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें और बताएं कि आपने ईद के दूसरे दिन क्या बनाया है। हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़। सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।